नमस्ते दोस्तों, केम छो मजा मा। मैं संजय, न्यूट्रेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए, हमारे यहाँ बादाम का पेड़ है और ये देखिए, इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। काफ़ी सारे फल लगे और काफ़ी बड़ा पेड़ है। आप देख सकते हो कितना घना हो गया है। और कितने ज़्यादा फल भी लगे हुए हैं। ये देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, पर उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए कि हमारे घर पे अगर आपके पास बैकयार्ड गार्डन में जगह है तो फ्रूटिंग प्लांट भी लगाने चाहिए, बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसमें क्या है, ठंडक भी रहती है और हमारे यहाँ गर्मियों से हमें बचाते भी है बड़े बड़े प्लांट, तो हमें ज़रूर बड़े प्लांट लगाना चाहिए। तो आज मैं आपको जीजी प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा, तो उसके बारे में, उसकी केयर के बारे में, उस पौधे के बारे में, आप प्रोपोगेशन के बारे में, आपका पौधा ख़राब हो रहा है तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, गर्मियों में कैसे देखभाल करें, उन सब के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा चीजी प्लांट है और आप देख सकते हो बहुत ही हेल्दी है और इसकी पत्तियाँ भी देख सकते हो कितनी अच्छी है। तो ये मैंने पत्ती से ग्रो किए हुए प्लांट है और ये ट्यूबर मेरा आया था, छोटा सा प्लांट था, उस आंटी ने मुझे दिया था, फिर उसकी पत्तियों से मैंने ये प्रोपोगेट किए। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये और निकल रहे हैं, ये भी छोटा सा। तो ये मैंने प्लास्टिक के गमले में लगाया है, देखिए। पहले मैंने जिस मिट्टी में लगाया था उस मिट्टी में मेरा पौधा है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगा था, तो उसके बाद मैंने अच्छी सी मिट्टी फिर बनाई और प्लांट को लगाया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में कि इस प्लांट को कैसी मिट्टी में हमें लगाना है ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे, इसमें से नए नए बेबी प्लांट इस तरह से निकले। तो इसके लिए जो आपको मिट्टी लेनी है उसमें रिवर्स एंड ले लीजिए, लगभग 30% रिवर्स एंड, आपके वहाँ की गार्डन सॉइल 40% गार्डन सॉइल लीजिए, 40-50%। इसमें मैंने 20% राइस हस्क मिलाए हैं और गोबर की खाद 2-3 मुट्ठी डाली थी, ज़्यादा में नहीं, गमले के हिसाब से आप डाल सकते हो। मैंने 2 मुट्ठी के बराबर गोबर की खाद डाली थी, ऐसे मुट्ठी भर के 2 मुट्ठी। तो इस तरीके से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी और मैंने इस प्लांट को लगाया। तो इस आपका जैसा प्लांट है उस हिसाब से आपको गमला लेना है। मेरे छोटे छोटे ट्यूबर्स थे और प्लांट भी काफ़ी बहुत छोटे थे, तो देखिए मैंने छोटा सा पॉट लिया था, लगभग 3-4 इंच का, सिर्फ 4-5 इंच का पॉट होगा, इतना ही। तो इसमें मैंने लगाया है इसको, तो ये लगाया, रिपोर्ट किया, ये लगभग 3 महीना जितना हुआ होगा मैंने इसमें रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट करने के बाद इसकी ग्रोथ में मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा। रिपोर्ट किया तब ये एक ही पत्ती थी, उसके बाद देखिए ये पत्तियाँ नहीं आई है, ये वाली जो पत्ती है, और यहाँ पे भी देखिए ये पत्ती से प्रोपोगेट किया हुआ था, छोटा सा रहता था, इसमें से भी नया निकल रहा है पौधा। तो अभी गर्मियों में क्या है कि इस पौधे, आपके वहाँ जो प्लांट है वो अगर इसकी पत्तियाँ जल रही है, पौधा ख़राब हो रहा है, इसके जो ट्यूबर्स आते हैं नीचे बल्ब आते हैं वो गल रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि गर्मियों में आपको इसकी जगह अच्छी सी रखनी है, ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ इसको धूप ना लगे, अच्छी सी ब्राइट लाइट रोशनी आती हो वैसी जगह पे रखना है। तो धूप में क्या होगा कि धूप में आप रखोगे तो इसकी पत्तियों पे ज़्यादा धूप पड़ेगी तो ये पौधा आपका जल जाएगा, तो इसीलिए गर्मियों की धूप से 1-1.5 घंटे की मॉर्निंग की धूप मिले, सुबह 8 बजे की, 9 बजे की तो बहुत है, दोपहर की जो 9 बजे के बाद से लेके 5-6 बजे की जो धूप आती है उस धूप से थोड़ा बचा लेना है पौधे को, इसको ऐसे ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। तो क्या है, ज़्यादा धूप में नहीं रखोगे तो आपका पौधा एकदम हेल्दी और हरा भरा बना रहेगा। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है कि इसको
ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। अगर धूप में है तो इस पौधे को हटाकर शेड में कर दीजिए। अब बात करता हूँ कि इसकी मिट्टी के बारे में। देखिए, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर लेवल हमेशा आपको बनाए रखना है। एकदम पूरी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। एकदम गर्मियों में क्या है, पूरी मिट्टी सूख जाएगी, आप 2-3 दिन पानी नहीं रह दोगे तो भी क्या है, इस पौधे में इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब ये थोड़ा मुरझाने लगता है। तो इसीलिए इसमें मॉइस्चर लेवल बना के रखना है, ना ज़्यादा पानी देना है ना कम पानी देना है। मीडियम, मतलब कि इसमें पानी ऐसे देना है कि ना मिट्टी पूरी सूख जाए ना पूरी गीली की गीली रहे, उस तरीके से आप पानी दीजिए। तो अब बात आती है कि इसकी प्रोपोगेशन के बारे में। तो आप गर्मियों में इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो इस टाइम टेम्परेचर बहुत ही हाई है। आपके वहाँ का टेम्परेचर देखिए, हमारे गुजरात में टेम्परेचर लगभग 45 या उससे ऊपर भी चला जाता है, तो ऐसे में इसकी प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। जैसे ही थोड़ी बारिश होगी तो इसकी प्रोपोगेशन कर सकते ऐसी गर्मियों में। प्रोपोगेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें इसके जो पत्तियाँ हैं इसको तोड़ के अलग कर दीजिए यहाँ से, और इसी गमले में लगा दीजिए, या फिर कोई भी अच्छा सा मतलब वेल ड्रेन मिट्टी वाला प्लांट हो जिसमें आप रिवर्स एंड राइसस और कोकोपीट तीनों मिक्स करके इसकी कटिंग लगाइए, या इसी गमले में, इस तरह के गमले में भी लगा से दीजिए। जिस तरह मैंने मिट्टी बनाई है उस तरह से मिट्टी बना के, इसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल मत कीजिए जब आप पत्तियाँ सिंगल पत्ती से ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हो तो जो आपका पत्ती होती है वो सड़ जाती है और ख़राब हो जाती है, इसलिए उसमें आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो इस टाइम तो मैं हमारे यहाँ ग्रो नहीं कर सकता हूँ और हो भी नहीं पाएगी क्योंकि गर्मी की वजह से। तो आपके वहाँ का टेम्परेचर कैसा है उस हिसाब से आप प्लांट को ग्रो कर सकते हो, और प्लांट में अच्छे से अच्छे बेबी प्लांट इस तरह से निकल के आए। तो इसमें फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए इस टाइम। वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट को भिगो के रख दीजिए, और उसका जो पानी लिक्विड बन जाए तो उसको लिक्विड दीजिए, और इसकी पत्तियों पे आप हमेशा पानी का स्प्रे करते रहिए, ज़्यादा दूर मिट्टी जमने मत दीजिए। पत्तियों को एकदम साफ़ सुथरा रखिए ताकि क्या है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट भी आपका अच्छा दिखेगा। कोई भी हमारा पौधा हो उसमें क्या है कि पत्तियाँ हैं वो खूबसूरत रहती है, एकदम साफ़ सुथरी रहती है, तभी हमारा प्लांट अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट चलेगा, और इसमें से नए नए बेबी प्लांट निकल के आएंगे। ये देख सकते हो, मुझे पहले इसका एक्सपीरियंस नहीं था, उस आंटी ने मुझे दिया था तो लाकर मैंने लगा दिया था ऐसे ही गमले में। पर जैसे जैसे मैंने थोड़ा टाइम इसके ऊपर देखा कि प्लांट में क्या फ़र्क हो रहा है, कैसी मिट्टी चाहिए, तो वैसे में क्या है कि मैंने इसकी मिट्टी चेंज की, गमला चेंज किया, तो अब धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा है कि इस प्लांट की देखभाल कैसे करनी है। तो उस मैंने बताया उस तरीके से आप इसकी देखभाल करोगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी गर्मियों में अपने पौधों को बचाने के लिए हमें थोड़ी सी देखभाल ज़्यादा करनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।